सो आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपना पैन कार्ड सिर्फ 2 मिनट में क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि आपको पता होगा पैन कार्ड वगैरह बनाते हैं तो कम से कम 7 से 14 दिन का टाइम लगता है, तब आपका पैन कार्ड बनके आपके घर पे डिलीवर होता है। पर आज के प्रोसेस में आपको सिर्फ बताना है, सिर्फ 2 मिनट में आप पैन कार्ड बना सकते हो अभी घर बैठे ऑनलाइन, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा इस प्रोसेस में। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपको देख सकते हो यहाँ पे एक इंस्टेंट पेन नाम का एक ऑप्शन फाइंड करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे इंस्टेंट ई पेन का ऑप्शन मिल चुका है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आप अगले पेज पर आ जाओगे। तो ये पेज ओपन होने के बाद देखिए आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, गेट न्यू पेन और यहाँ पे चेक स्टेटस एंड डाउनलोड। तो हम न्यू पेन बना रहे थे, हम यहाँ पे गेट न्यू पेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे इस वेबसाइट को। तो देखिए यहाँ पे आपको कुल 4 प्रोसेस मिलता है, पहला आधार नंबर से, दूसरा OTP वेरीफिकेशन, तीसरा वैलिडेशन ऑफ डिटेल्स और चौथा यहाँ पे सिलेक्ट एंड अपडेट योर पेन डिटेल्स। तो 4 स्टेप आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार नंबर फिल करके आई एक्सेप्ट कर लेना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए आधार नंबर मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको OTP आएगा, तो OTP से आपको वेरीफाई करा देना होगा। चलिए यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक OTP आया होगा आपके आधार नंबर वाले मोबाइल पे, तो OTP आपको फिल करने के बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। OTP फिल करने के बाद आप 3rd स्टेप पे आ जाओगे और यहाँ पे आधार वैलिडेशन कर देना है, डिटेल्स को वेरीफाई करा जाएगा एक बार। तो सारे डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी और यहाँ पे आपको एक मेल आईडी का ऑप्शन आएगा। तो ध्यान से आपको ये बात ध्यान में रखना है, आपको मेल आईडी यहाँ पे एक डाल देना है, क्योंकि आप पैन कार्ड बना रहे हो तो आपके पास एक मैसेज जाएगा मेल आईडी पे, आपको बताया जाएगा सब कुछ, लाइव स्टेटस वगैरह शो करा जाएगा। चलिए मेल आईडी यहाँ पे एक हम ऐड कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे एक मेल आईडी डाल देता हूँ मैं। तो मेल आईडी यहाँ पे टाइप करने के बाद सिंपली आपको सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। तो आपको मेल आईडी पे एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डालकर मेल आईडी को वेरीफाई करा लेना होगा। तो चलिए मैं OTP यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। OTP डालने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आपको आई एक्सेप्ट करके कंटिन्यू वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए योर रिक्वेस्ट ई पेन हैज़ बीन सक्सेस बीन अलॉटेड, यहाँ पे आपको एक अकाउंट एक्नॉलेजमेंट नंबर दे दिया जाएगा। अब आपका पैन कार्ड यहाँ पे बन चुका है। एक बार आप दोबारा से पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए इंस्टेंट ई पेन पे दोबारा से आ जाना होगा आपको। आने के बाद सिंपली ये वेबसाइट दोबारा से ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे फिर से आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस बार हम गेट न्यू पेन पैन पे क्लिक नहीं करेंगे, इस बार हम चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वही आधार नंबर आपको फिर से दोबारा फिल कर देना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा, देन कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसका देख सकते हो सक्सेसफुली अलॉटेड ई पेन। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, व्यू ई पेन और यहाँ पे डाउनलोड ई पेन। तो यहाँ से हम ई पेन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे और ये पैन कार्ड आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सिर्फ 2 मिनट में पैन कार्ड घर बैठे बना सकते हो।